तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार और ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके जितनी भी नई नोटिफिकेशन है, चाहे वो स्टेज टू को लेके हो या फिर स्टेज थ्री को लेके हो, उस विषय में बात करेंगे। और पहले हम समझने का आज कोशिश करेंगे कि आखिर फिर से कब इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म आने वाला है, और अगर फॉर्म आने वाला है सर तो आगे की तैयारी हमें कैसे करना है, कैसे मेजर तलसी क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपको नाभिक जीडी के लिए, नाभिक डीबी के लिए और नाभिक यांत्रिक के लिए अपने एमकेसी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयार करेगा, एमकेसी पब्लिकेशन के बेहतरीन इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिएंटेड बुक देके जो कि आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को देखते हुए बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से वो सारे क्वेश्चन के कलेक्शन प्रोवाइड करेगा, और एमकेसी टेस्ट प्रेप के माध्यम से कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड प्रैक्टिस करके, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम अब आपका ऑनलाइन होने लगा है तो लाजमी सी बात है कि आपको स्पीड टेस्टिंग में भी जाना होगा। तो आज फिर से मोटा मोटा कई सारे पहलू हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर अगले फॉर्म के आने के क्या शेड्यूल हैं और क्या सिचुएशंस हैं। स्टेज 2 को लेकर क्लियर बात करूंगा जो अभी तक के सारे इश्यूज चले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने कई इश्यूज पॉइंट आउट किए जिनमें आपने बताया कि सर डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड हो रहे। कई लोगों ने बताया कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी में था बट सर वहां ईडब्ल्यूएस स्टेटमेंट लिख के आ रहा है, मैं एससी एसटी में था सर ओबीसी लिख के आ रहा है, ये बच्चों का डाउट क्रिएट हो रहा है। तीसरा, कई बच्चों का प्रश्न ये भी है कि सर जो रिन्यूअल नहीं करा पा रहे, दैट मीन जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं और जैसे कहा गया है कि रिन्यूअल करा के आए, तो उसके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या दी गई है बच्चा, उसको लेके बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि स्टेज 3 दैट मीन आपका फाइनल ज्वाइनिंग उसको मान के चलिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन की 3 ही स्टेज है, आपका स्टेज 1 है जिसमें आपने रॉक कर दिया है, आपका स्टेज 2 है जिसको जबरदस्त आप कंप्लीट कर रहे हैं 26 मई में और जून में जाकर के स्टेज 2 में अपने अपीयर हो रहे हैं, और फाइनली स्टेज 3 को भी लेके क्लैरिटी आ चुकी है मिड अगस्त आपके नाभिक जीडी और यांत्रिक के लिए, और मिड अक्टूबर आपका आ चुका है नाभिक डीबी के लिए। तो सब कुछ बड़ा क्लियर कट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड की जो इंस्पिरेशन, जो पॉजिटिविटी अपने सटीक इन्फॉर्मेशन से वो फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल से सल्यूट करने का मन करता है मेरा, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ओवरऑल क्लैरिटी हमारे दिमाग में डाली गई। 3 तरह की क्लैरिटी हमारे सामने है, तो 2 लोगों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहला, जो बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड के अगले एग्जाम में, दैट मीन नेक्स्ट साइकिल जो होने वाला उसमें अपीयर होने जा रहे हैं। सेकेंड, जो बच्चे इसके स्टेज 2 और स्टेज 3 की जर्नी, दैट मीन स्टेज 2 आपका फिजिकल और मेडिकल का स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ स्टेज 3 जिसको आप फाइनल कह सकते हैं आईएनएस चिल्का की विजिटिंग और अपनी जिंदगी का अपना सपना पूरा करने की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो चलिए बहुत तेजी के साथ मैं बढ़ूंगा इस वीडियो में, और आज कैसे तैयारी करना इस पहले को बताऊंगा। मेजर कलसी क्लासेस का यूट्यूब चैनल आगे की क्या प्लानिंग कर रहा है, जो कि हम एमकेसी लर्निंग ऐप के साथ आपके एमकेसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइंट वेंचर हम बनाएंगे। एक जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक जगह से प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमारे हर प्लेटफॉर्म आपके साथ मेहनत करके आपको बेहतर बनाएंगे। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ पढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे डाउट कंफ्यूजन जितने भी इश्यूज हैं मेरी पूरी कोशिश होगी इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो खुशखबरी हमारे सामने तेजी के साथ है वो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हम बात करें कि बैच, फर्स्ट बैच की साइकिल की बात करें और सेकेंड, तो ऑब्वियसली हम लोग जिस प्रोसीजर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो है फर्स्ट बैच की जो साइकिल है वो आपके सामने आने वाली है, और बिल्कुल क्लियर कट है क्योंकि सेकंड बैच की साइकिल आप पूरी करने के लिए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट बैच मतलब जून एंड जुलाई, दैट मीन हम लोग पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फिर से इंडियन कोस्ट गार्ड जुलाई में अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर देगा नाभिक जीडी के लिए भी, डीबी के लिए भी और यांत्रिक के लिए भी। एज का क्राइटेरिया आप समझते हैं मोटा मोटा 18 to 22 है, दैट मीन 18 साल से लेके आपका 22 साल तक का पूरा प्रोसीजर है, और एलिजिबिलिटी आप समझ ही रहे हैं डीबी के लिए 10th स्टैंडर्ड है, नाभिक डीबी के लिए और बच्चा या आपके जीडी के लिए आपका 10+2 होना चाहिए पीसीएम ग्रुप में, और साथ ही यांत्रिक के लिए आप जानते हैं कि 10th के बाद आपका डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर ये है आपका 3-year डिप्लोमा बेटा तो ऑब्वियसली इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो क्वालिफिकेशन हो गई, एज का क्राइटेरिया मोटा मोटा हो गया आपका, और साथ ही साथ फॉर्म कब से आएगा इसके विषय में बता दिया। तो बिल्कुल बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही लग करके बेटा तैयारी की जरूरत है। जिन बच्चों को इस बार सफलता नहीं मिली, 2-4 नंबर से रुक गए, उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ये आपका नेक्स्ट चांस फिर से आपके सामने। इस बार जो कमी रह गई बेटा, चाहे वो सेक्शन 1 के आपके अर्थमेटिक पार्ट में रही हो, या आपके इंग्लिश के पार्ट में रही हो, या आपके जनरल साइंस के पार्ट में रही हो, रीजनिंग के पार्ट में रही हो, या जीके के पार्ट में रही हो, या सेक्शन 2 जो जीडी वाले बच्चे हैं उनके मैथ और फिजिक्स में कोई इशू रह गया हो, अगर हम डीबी की बात करें तो सेक्शन 1 में कहां कमी रह गई, या हम यांत्रिक की बात करें तो सेक्शन 1 या सेक्शन 2 कहां कमी रह गई, आपसे बेहतर बेटा ये बात कोई नहीं समझता है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस प्लेटफॉर्म हर तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक डेडिकेट ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है, जो आपको ऑनलाइन के, क्योंकि जिस तरह का स्थिति चल रहा है बेटा, मुझे नहीं लगता सितंबर तक चीजें सुधरने वाली हैं,
तो बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, आपको लगना है, और लगने के लिए इस इंडिया में केवल एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज एमकेसी लर्निंग ऐप, जो बिल्कुल डेडिकेट इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पे आपका काम करेगा। हर सिलेबस आपका कवर होगा और 6 से 7 ऑनलाइन डेली क्लासेस आप लेंगे, अर्थमेटिक का अलग लेंगे, रीजनिंग का अलग लेंगे, जीके का अलग लेंगे, इंग्लिश का अलग लेंगे, जनरल साइंस का आप अलग लेंगे, मैथ का अलग लेंगे, फिजिक्स का अलग लेंगे, तो सारे पीरियड आपके अलाइन किए जाएंगे। 8 से 9 पीरियड डेली बेटा क्लासेस आप करेंगे हमारे ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी हम आपको देंगे बेटा, जहां आपने हर डाउट पूछ सकते हैं। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसको आपको क्लियर करना होगा बेटा। साथ ही साथ आपकी स्पीड टेस्ट के लिए हमने उसमें ऑनलाइन टेस्ट प्रोविजन रखा है, जहां पे आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप समझते ही हैं सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो 60 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स हैं, और सेकंड की बात कर लें जीडी वालों के लिए तो 50 क्वेश्चन है और 30 मिनट है, वही आंतरिक के लिए लागू हो जाता है। तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रायोरिटी पे आ जाती है, तो जरूरी होता है कि आपके पास टेस्ट का भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जो कि एमकेसी लर्निंग के अंतर्गत ही है, बट साथ ही साथ एमकेसी टेस्ट प्रैप के प्लेटफॉर्म से भी हम मदद कर रहे हैं बच्चों को वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर देने का टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट के माध्यम से, जिससे आप एग्जाम की एक्चुअल फीलिंग का एहसास कर सके। और साथ ही साथ ऐसे और बहुत सारे इंडियन कोस्ट गार्ड के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन एमकेसी पब्लिकेशन, जो कि बिल्कुल आपको घर पे पहुंचाएगा फ्री डिलीवरी के साथ, 25% डिस्काउंट के साथ जबरदस्त, और बहुत जल्द एमकेसी लर्निंग ऐप पे भी आपको 25% का डिस्काउंट, और एमकेसी टेस्ट प्रेप केवल 199 का पैकेज, जो आपको जबरदस्त कंटेंट दे देगा। तो मुझे लगता है कि चीप, बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है एमकेसी का, जिससे जुड़ करके बेटा आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाए। दोनों बच्चों को समझा रहा हूं जो इस साल अपीयर होंगे, या जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया बट वो कहीं ना कहीं, दैट मीन जो लास्ट वाला एग्जाम था दिया बट वो सफल होने में कहीं ना कहीं कसर रह गई, तो इस बार बेटा जान लगाना है, दम लगाना है, और एमकेसी परिवार तन मन धन से पूरी तरह से आपके साथ है, बस लग जाइए। तो चलिए तेजी के साथ अगली इन्फॉर्मेशन में बढ़ते हैं। स्टेज टू को लेकर बहुत सारे भ्रांतिमान, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट है, तो बिल्कुल आज एक तरीके से टेक्निकली देखें तो 26 में लास्ट डेट है। तो मैंने कहा पहले सारे लोग युद्ध लड़ लें अपने लेवल पे, फिर मैं आता हूँ और लास्ट इन्फॉर्मेशन डाल के सारी चीज़ों को क्लोज मारता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। फेज टू में आपको अच्छे से पता है बेटा कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट है, बिल्कुल आपको 1.6 किलोमीटर का रेस है, 7 मिनट का टाइम मिलेगा, तो जम के बेटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बैठने का समय बिल्कुल नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाइए बेटा आपने सफलता को सिद्ध करके, तो तन मन धन से लग जाइए आप। आपके 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठे होंगे और 10 आपके पुशअप्स होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि इसका पूरा प्रैक्टिस का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और लगातार हम आपके लिए फिजिकल से रिलेटेड स्पेशल वीडियोज लाते हैं हफ्ते में एक, जिससे आप जुड़ करके अपने कहीं ना कहीं रेस पुशअप्स और स्क्वाट्स पार्ट को भी बेहतर कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट कंडीशन। अब कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मर पास या फेल। एक बच्चों का मेरे प्रश्न आ रहा था कि सर जो हमारे सेकंड फेज में बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत सारों को क्या है कि परसेंटेज का बड़ा जो है वेरी है, अराउंड 30% के चेंजेस आए, जैसे कि बोर्ड में 50% आया बट यहाँ 85% बन गया उनका स्कोर, एक तरीके से 80% बन गया, या 50% उनका आया 75, मतलब अराउंड 25-30% का वेरिएशन आ रहा है। तो एक बेसिक टेस्ट वहाँ कंडक्ट किया, वैसे इस तरह के बच्चे बहुत कम हैं, और जो हैं तो जो अभी तक टेस्ट आपने दिया उसी पैरामीटर पे एक बेसिक टेस्टिंग आपकी की जाएगी, ये चेक करने के लिए वाकई में आपकी एलिजिबिलिटी राइट है या किसी एंगल से रॉन्ग है। तो बिल्कुल वो भी घबराए ना, बट इनकी संख्या बड़ी फ्यू है, ज़्यादातर बच्चों का इतना ज़्यादा हैवी वेरिएशन नहीं है, और मैंने 30% जिक्र किया, 30% के आधार पर ये चीज़ें वहाँ पर डिसाइड हो रही हैं। अगला पॉइंट आता कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी वही है, आपको अच्छे ढंग से पता है बेटा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन से मतलब है कि आपका बेसिक मेडिकल वहाँ पे होगा, जो अहम है और मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है। तो दो कैटेगरी इसमें बनेगी, अपील फॉर मेडिकल टू कंप्लीटेड विद इन 21 डेज इन परमानेंटली अनफिट, एंड जो टेम्प्रोरी है उनको 42 डेज मिलेगा। अब बच्चों का प्रश्न आता है सर मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपके पास दोनों राइट है। अगर आपको परमानेंट अनफिट किया गया भी है तो 21 दिन का मौका है, आप वो फॉर्म वहाँ से लीजिए, वहीं पे भरिए, वो आपको डेट दे देंगे, उस डेट पे जाएंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो वाकई में आप सफल हो जाएंगे। सेकंड, अगर आपको टेम्प्रोरी किया गया है तो 42 डेज का टाइम मिला, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को लेके किया गया है उसको जाके आप ट्रीट कराइए, ओके कराइए। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस का प्री मेडिकल सेंटर हमेशा आप सबके लिए ओपन है, और ये देश का इकलौता मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का प्री मेडिकल सेंटर है, जो कि सहारा दे रहा है बच्चों को, एक मोटिवेशन दे रहा है, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी है जिसमें आप डिफेंस मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर पाजी सिंह से इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बड़े ही बेसिक कास्ट में, मात्र 500 रुपये का चार्ज है, जिससे आप जुड़ करके आप अपने हर डाउट हर कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें बेटा, क्योंकि किसी तरह का डाउट लेकर के आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है। और आप लगातार देख रहे हैं कि डिफेंस मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची सिंह भी आपके मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ हर हफ्ते आपके जो है डिफेंस चैनल पे ला रही हैं, और जिस तरह से आपकी डिमांड होती है उसी आधार पे मेडिकल गाइडेंस को लेके वीडियोस आपके सामने आते हैं। बट इसके बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो बेटा आप
स्लाइड में आपको दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके मैम से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का बेहतर निदान पा सकते हैं घर बैठे इस कोरोना टाइम में। अब आते हैं, अब बच्चे बहुत सारे पॉइंट मेरे को रख रहे थे कि सर ये जो रीअसेसमेंट टेस्ट होगा सर इसको लेके बहुत तोप मत मान लीजिए, सिंपल है, जिसका हाई स्कूल या इंटर का परसेंटेज के आधार पर बहुत वेरिएशन दिखाई देगा उन्हीं के लिए यही है और ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज या ग्राफ का मतलब नहीं है और स्टेज वन के ही सिलेबस पे पूरी तरह से ये बच्चा बेस्ड है। अब कुछ प्रश्न बच्चों का ये बन रहा था मेरे से उठ करके जब मैं इस बात को डेडिकेटली पढ़ रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये आया कि सर हम हैं EWS कैटेगरी के, हमारे में OBC कह रहा है सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, हमने सर अप्लाई किया है SC ST में, हमारे को EWS दिखा दे रहा है। भाई घबराओ मत, वो टेक्निकल ग्लिच है जो उनके तरफ से है, जिसको लेके बहुत खड़बड़ाने की जरूरत नहीं, अपलोड ऑप्शन है ना, जाइए जिस कैटेगरी में आप आते हैं और जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है भैया, आप उसी का डॉक्यूमेंट्स वहां जाके री अपलोड करेंगे, तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है और कंफ्यूजन में रहने का जरूरत नहीं है, तो आप वही जाके अपलोड करेंगे जो आपने एप्लीकेशन में कर रखा है, उसी डॉक्यूमेंट्स को जाके वहां कर दें, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जिस कैटेगरी में आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब अगला प्रश्न बच्चों का मेरे सामने बनता है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिन्यूअल हो ही नहीं पा रहा है सर कोविड की वजह से, तो आपको पता है कि भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द अपलोडेशन ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट टू फैसिलिट डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर द स्टेज 2। तो जैसे आपने देखा कि इंडियन कोस्ट गार्ड पे ये इंस्ट्रक्शन एंड नोटिफिकेशन को लेकर रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, इसका मूल उद्देश्य आप समझे मोटा मोटा, जैसे कि कोविड के कारण अभी जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ऑफिसेस नहीं खुल रही है, EWS सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों ने कहा सर कि जो मेरा एक्सपायर हो गया है, रिन्यूअल हो नहीं पा रहा है सर, तो इस चीज़ को लेके हम क्या करें, तो उसको लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी आपको बेटा क्लैरिटी दे दी है कि आपका जो स्टेज 3 होगा, जब आप स्टेज 3 के लिए जाएंगे, अभी आप जो पुराना वाला है आपका वही प्लीज़ अपलोड कर दीजिए, और जब स्टेज 3 पे जाएंगे बेटा आप, दैट मीन अपने INS चिल का सेंटर पहुंच जाएंगे, अपने ड्रीम पे पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, तो वहां बेटा आपको जो है अपडेटेड वाला, दैट मीन जो रिन्यू आपका हो जाए वो लेके जाना है, बट ध्यान रखना कि उसके साथ आपको जो एक्सपायर्ड है वो वाला भी लेके जाना है, मतलब दोनों ले जाना है, जो एक्सपायर्ड आप अपलोड कर रहे हैं और जो भी आपका रिन्यू है वो दोनों लेके जाएंगे। अगर स्टेज 3 पे नहीं लेके जाएंगे तो फिर बेटा आपके लिए वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आपके कैंसिलेशन का वो बड़ा कारण बन सकता है। तो बहुत सारे बच्चे जो इसको भी लेके हड़बड़ाए थे, घबराए थे स्टेज 2 वाले के सर जो है ये अपलोड करने को कहा गया है सर बट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेज 2 में इस चीज को लेके बहुत बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फाइनल स्टेज भी है, जिसको आप स्टेज 3 कहते हैं, फाइनल सिलेक्शन स्टेज है, तो इसमें लाजमी सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके वहां पे INS चिल का सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आपके चीजें प्रोसेस हो जाएंगे। मुझे लगता है बेटा आपको बात ये समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है। वेरी गुड, जब इसकी बात करते हैं तो कलर्ड प्रिंटआउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ई एडमिट कार्ड आप स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 में भी आपको एडमिट कार्ड था बेटा आपके पास और स्टेज 2 में ई एडमिट कार्ड आपको भेजेगा इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको डाउनलोड कर लेंगे। जो स्टेज 1 का ई एडमिट कार्ड है बेटा स्टैम्प वाला होना चाहिए, दैट मीन जो आप वहाँ लेके गए थे प्लीज़ वही लेके जाने का आप कोशिश करिएगा। फोटो ID कार्ड मेंशन ऑन एप्लीकेशन, फोटो ID भी है वही लेके जाना जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। अब वो आपका इच्छा है कि आपने क्या किया, आधार किया, पैन किया, फोटो आया, फिर आपने वोटर ID कार्ड किया, जो भी किया वो फोटो ID ही लेके जाइएगा जो एप्लीकेशन में आपने किया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिंग आफ्टर बींग शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। तो ध्यान रखिएगा सारे वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको जो आपने स्टेज 1 दैट मीन एप्लीकेशन अप्लाई करते समय वहाँ पर किया था। 3 फोटोकॉपी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ असिस्टेड, 3 फोटोकॉपी लेके जाने, हम तो कहेंगे 3 नहीं, आप 4-5 लेके जाइए, क्योंकि रिजर्व में भी रखना चीज़ों को सही है। और कोशिश करिए, बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बेटा देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब कैरी किया जाता है ना तो हमेशा 2 जगह बनाई जाती है, ठीक है ना, एक ऐसी जगह हो जो बैग में हो, एक ऐसी जगह हो जो आपके हैंड बैग में हो, तो 2 रिसोर्सेज रहने से हमेशा सेफर साइड होता है, क्योंकि आप समझते हैं क्या अनहोनी है, भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो, बट अनहोनी हो जाती है, कोई बैग चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आप कैरी करें, क्योंकि कपड़े लत्ते के बिना काम चल सकता है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आप पैदा कर देंगे मिनट भर में, तो बहुत ज़रूरी है कि बेटा इस बात का भी ख्याल रखना है। 20 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड, 20 लेके जाना है, मैं तो 30 बोलता हूँ, हमेशा 40 बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन के समय बेटा पासपोर्ट साइज का अप्लाई किया हुआ है। NOC इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफी फ्रॉम द एम्प्लायर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ अप्लीकेबल। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो स्टेज 2 में भी आपको NOC का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि ऑब्वियसली साइंड होना चाहिए, फोटो कॉपी बकायदे एम्प्लायर के द्वारा, ठीक है ना, सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए और साइंड भी होना चाहिए, ओरिजिनल आपको लेके वहाँ पे जाना है अगर कहीं आप सर्व कर रहे हैं तो। ये केवल सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए है, जो बच्चे सर्विंग नहीं है उनके लिए इस बात को लेकर कोई भी दिक्कत या समस्या का विषय नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे से अगला पॉइंट बन रहा था कि सर हमें यह जानना था कि
जब हम वहाँ पे रिपोर्ट कर गए, बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी थे, जैसे कि लोग कंफ्यूज थे कि सर 10th एंड 12th का CGPA और जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड के हिसाब से दिया गया था, तो वही 10th एंड 12th में अपलोड करेंगे जाके। और मैंने कहा था कि जो जिस स्टेट या जगह के हैं उसको मार्किंग सिस्टम क्या है, दैट मीन उसका स्कोरिंग सिस्टम क्या है, कितने CGA पे कितने CGPA पे जो आपका बना हुआ है ग्रेडिंग सिस्टम वो कितने मार्क्स होते हैं, तो जिससे कैलकुलेट करके आप एग्जैक्टली वो परसेंटेज और मार्क्स डिफाइन कर सकें, वो आपको अपने ऑब्वियसली उस बोर्ड से या स्कूल से अप्रूव करा लेना है और वही बेटा आपको वहाँ जाके क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। एंड जैसे कि आपको पता चला कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना ही होता है, वैसे जो PDF का साइज कहा जाता है वो 10KB से लेके बेटा आपका 100KB तक रहता है। तो एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी था स्टेज टू को लेकर के। आशा करता हूँ कि स्टेज टू को लेकर के किसी भी तरह का डाउट या सस्पेंस नहीं होगा। अब सबसे अहम बात आ जाती है बेटा स्टेज जो 3 को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, बड़ा लंबा डाउट बना हुआ है, तो चलिए स्टेज 3 को लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट। और ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि एक बड़ा हैवी सेंस ऑफ मोटिवेशन है जो स्टेज 3 की बात करने वाला हूं। अभी कुछ बच्चे मेरे से एक प्रश्न ये भी रख रहे थे कि सर मैं जब उसमें इंटर कर रहा हूं तो सर इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं आप, फॉरगेट पासवर्ड करिए, सही लाइए या तो सही याद करिए और सही इंटर करिए। फिर बच्चों ने कहा कि सर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज शो कर रहा है, तो रिफ्रेश करो बार बार, ठीक है ना, रिफ्रेश करके पासवर्ड की ही मिस्टेक हो गया, ईमेल भी आप गलत इंटर कर सकते हैं, यही दो केसेस बन रहे हैं। अब आ जाइए आज के डेट की सबसे हैवी सबसे मोटिव और इन्फॉर्मेशन जो अपडेट किया गया है, अभी मैं इसको अंग्रेजी में कहूँगा कि अभी जैसे कि नोटिफिकेशन जनरेट कर दिया गया इसको लेकर के, इसमें कहा गया कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू, स्टेज टू के लिए आप सेलेक्टेड हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेज 3 CGEPT 2/2021 बैच। तो ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोटिस फिर से जनरेट कर दिया है कि आपको स्टेज 3 के लिए डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मोटिवेशन है मेरे सारे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट के लिए, काश यही प्रोसेस सब में हो। कभी कभी बड़ा दुख भी होता है इस चीज़ को लेकर, शायद इंडियन नेवी के लिए भी ये सारी चीज़ें एक ज़माने में मैंने देखी है और इंडियन नेवी से ही इंस्पायर होकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने प्रोसेस शुरू किया, और इंडियन कोस्ट गार्ड इतनी खूबसूरत अपडेट हर चीज़ को लेकर दे रहा है, साथ ही साथ बच्चों में एक मोटिवेशन भी बनाए रखा है हर चीज़ को लेकर के, और एक क्लैरिटी दे रहा है, केवल इस एग्जाम में जो हुआ उसके स्टेजेस की बात नहीं कर रहा है कि उसका स्टेज 2 क्या है या उसका स्टेज 3 दैट मीन फाइनल सिलेक्शन क्या है, बल्कि साथ ही साथ आने वाले एग्जाम के विषय में भी एक अपडेट दे दी उसने कि बिल्कुल तैयार रहें, सितंबर में होना है और तैयार रहना है आप सबको बेटा, मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से साथ है और हर प्लेटफॉर्म हमारा चाहे लर्निंग ऐप का हो चाहे पब्लिकेशन का हो चाहे टेस्ट प्रेप का, जम के आपके साथ हम काम करेंगे और बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी जो सिस्टम देंगे घर बैठे ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होती है अपडेट यार, बट मुझे दुख होता है थोड़ा इंडियन नेवी को लेके कि वो अपडेट में कहीं ना कहीं स्लो हो गए, और कमाल की बात है कि INS चिल्का में दोनों की ही ट्रेनिंग होनी है, बट मैं चिंतित इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हूं बेटा क्योंकि आपको पता है कि बैच तो सब साथ में ही बनते हैं, ये लाजमी सी बात है कि अगर ये अगस्त का बैच बना रहे हैं नाभिक GD एंड यांत्रिक का, तो भाई नेवी को भी SR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का बैच साथ ही स्टार्ट करना है। अगर अक्टूबर में ये नाभिक DB का बैच बना रहे हैं तो लाजमी सी बात है नेवी MR का ही बैच अक्टूबर में स्टार्ट होना, क्योंकि सब कुछ साथ ही है, कोई ट्रेनिंग सेंटर अलग नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर एक ही है, बस हाँ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है होती है वो सेंट्रल फोर्स हो जाती है, ये पैरामिलिट्री के अंतर्गत आ जाती है और हमारी इंडियन नेवी मिलिट्री के अंतर्गत आती है, हमारी जो है ये आर्म फोर्सेस की कैटेगरी में आ जाती है, बस अंतर इतना है, बट ट्रेनिंग सिस्टम सब कुछ इनका एक जैसा है। तो एक समझो कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक इनडायरेक्ट मोटिवेशन है कि अगर इंडियन कोस्ट गार्ड अपने प्रोसेस को लेकर इतनी क्लैरिटी दे रहा है तो समझो इनडायरेक्टली इंडियन नेवी की भी क्लैरिटी इस हिसाब से होती जा रही है, और जो बुद्धिमान बच्चे होंगे इस बात को मेरे समझ भी रहे होंगे और लिंक ही कर रहे होंगे कि कैसे सिस्टम होगा। मैं बार बार समझाता हूं कि कोई चेंज नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जाएगा GD का कैंडिडेट और जो जाएगा हमारा यांत्रिक का कैंडिडेट और नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SR, और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कैटेगरी आपको पता है कि अक्टूबर के बाद प्रोसीड हो जाती है अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो कि 6 वीक की स्पेशल ट्रेनिंग उनकी INS चिल्का में, उसके बाद फर्दर आगे की ट्रेनिंग होती है बैंगलोर में। अब कंडीशंस में क्या बनती है, वही सीट खाली होती है 500, और उसके बाद वहां पे जाके कब्जा करते हैं हमारे नेवी MR वाले और नाभिक DB वाले, क्योंकि 500 सीट के आसपास इनकी भी हो जाती है और ये जाके सीट वहां फुल कर लेते हैं। भाई देखो एकेडमी तो फिक्स है ना बेटा, सीट भी फिक्स है, तो कुछ अंतर नहीं। तो मुझे लगता है कि इंडियन नेवी जितने एस्पिरेंट है और जितने भी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं, मुझे लगता है बेटा इंडियन नेवी ने एक बड़ा स्कोप आपके लिए खोल रखा है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी खोल रखा है, तो जम के बेटा तैयारी करो यार। बहुत सारे भ्रम कंफ्यूजन में जाना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है बेटा, बस जरूरत है तैयारी का, क्योंकि तैयारी होगी तो सब कुछ कमाल हो जाएगा। मैं यहाँ के बार बार विनम्र निवेदन सबसे कर रहा हूं और मैं बार बार आके सटीक इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बस जरूरी है बेटा कि आप सटीक प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, सटीक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता बट ये लगता है कहीं ना कहीं कि अल्टीमेट आप बहुत सारे डायवर्जन में ना जाएं बेटा, आपको फोकस होना है, आप किसी का बैठ के इंतजार मत करिए,
आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है और एग्ज़ाम आपको देना है। किसी के भरोसे बहुत भरोसे आप बैठ गए ना बेटा तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि सामने वाले का क्या है, आज तुम हो कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, नर्सों कोई और आएगा, बेटा उसकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन आपका टाइम, आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पैसे से कई गुना बढ़ के है और आके बहुत गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है किसी के सामने यार कि सर एक वीडियो डाल दे, एक वीडियो से नहीं होता बेटा। पढ़ाई एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है यार, और कहीं ना कहीं ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से संभव नहीं है। यहाँ केवल एक्टिंग होती है, यहाँ केवल अट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है, यहाँ केवल कहानियाँ बताई जाती हैं, और वही कहानियाँ बता के बेटा फाइनली अट्रैक्ट किया जाता है अपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो धन अकेडमी का प्लेटफॉर्म हो या किसी भी पुर का एक प्लेटफॉर्म हो, अल्टीमेट ले जाना है बेटा इनको प्रोडक्ट पे ही। मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ बींग अ मेजर कल्सी क्लासेस, हम इस बात को नहीं कहते कि हम यहाँ सब कुछ कमाल कर देंगे, नहीं बेटा संभव नहीं, क्योंकि जो क्लासरूम फीलिंग थी हम चाहते हैं ऑनलाइन में भी वही फीलिंग हो। और जब उस ऑनलाइन उस फीलिंग की हम बात करते हैं तो केवल एमकेसी लर्निंग ऐप ही इकलौता ऑप्शन इंडिया का जो फीलिंग देता है, क्योंकि आप क्लास में थे तो लाइव पढ़ाता था टीचर, यहाँ भी आपको उतना पीरियड करना पड़ेगा। आप इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन में है बेटा, आपको अर्थमेटिक का पीरियड अलग मिलना चाहिए, रीजनिंग अलग मिलना चाहिए, जीके अलग मिलना चाहिए, इंग्लिश आपको अलग मिलना चाहिए, साइंस आपको अलग मिलना चाहिए, तब जाके क्वालिफाई होगा। मैथ फिजिक्स अलग मिलना चाहिए जो जीडी के बच्चे हैं, डीबी वालों का अलग हो गया, तो सबको अलग अलग नहीं मिलेगा यांत्रिक जी, तो नहीं हो पाएगा। और इतना परफेक्शन बेटा क्लासेस में और उनके बुक्स में केवल आपको एमकेसी ग्रुप दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। तो बेटा इन सब के चक्कर में बहुत गिड़गिड़ाओ मत, बल्कि अपनी खुददारी से आगे बढ़ो। फौजी बनना यार, खुददार बनिए, क्रेडिबल बनिए, आज कुछ सही इन्वेस्टमेंट सही जगह आपके करियर को सही दिशा में ले जा सकती है। समय का इन्वेस्टमेंट भी बेटा इन्वेस्टमेंट है और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, और दोनों इन्वेस्टमेंट के जब ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की बात आती है तो केवल एमकेसी का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो एमकेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और चाहे इन्फॉर्मेशन के तौर पे समय जो आप देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को उसके लिए भी एमकेसी ही आपके सामने एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के तौर पे आता है। मैं बार बार इसीलिए इस बात को आगे कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं देश में बहुत सारे बच्चे केवल बैठ गए हैं, न्यूट्रल हो गए, नहीं बेटा गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर कब आएंगे, पता सर आ ही नहीं रहे, एक दिन पढ़ा दिए 10 दिन गायब हो रहे, 10 दिन बाद आ रहे, फिर एक दिए फिर गायब हो जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं रैंडम, ये पढ़ा। नहीं बेटा, पढ़ाई एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है। सितंबर में एग्जाम देना यार, एक फोकस तरीके से आपको लगना होगा अगले 3 महीने, तब जाके संभव हो पाएगा, आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो बेटा समय बीतने में समय नहीं लगता है, तो समय मत बिताइए, देश के एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आइए, एंड दैट इज अगेन एमकेसी लर्निंग ऐप एंड एमकेसी पब्लिकेशन। तो आइए जानते हैं क्या क्या स्टेज 3 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए लेके जाना जरूरी है। और स्टेज 3 तो आपको क्लियर ही है कि जीडी एंड यांत्रिक का कोई कंफ्यूजन नहीं, मिड अगस्त से शॉर्ट आप अपने उस सिलेक्शन सेंटर आईएनएसएल का पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये हर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, और साथ ही साथ बिल्कुल अक्टूबर में आपको पता है मिड में जितने भी डीबी एस्पिरेंट हमारे उन सबको पहुंचना है, बट पहुंचने के समय क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है बेटा इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान सुनिएगा, बड़े तेजी के साथ कवर करूंगा। तो सारा का सारा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया, 3 फोटोकॉपी आप ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड खोया में ही अटेस्ट करके जाना है, कम से कम 3 फोटोकॉपी कहता हूं, बट यार कम से कम 5-6 लेके जाओ और 2 पार्ट में लेके जाना, मतलब 2 जगह पे आप अरेंज करके जाना है, ईश्वर न करे कोई दिक्कत हो। 30 नंबर आप पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सबमिटेड इन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में सबमिट किए थे फोटोग्राफ भी है वही लेके जाना है, 30 लिखा है 40 लेके जाना कम से कम। कलर फोटोग्राफ आप स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है कलर फोटोग्राफ का, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर विद द ब्लू बैकग्राउंड 10 नंबर, तो ये भी स्पेशल आपको फोटोग्राफ लेके जानी है, उनके स्पेसिफिकेशन भी दे दिया 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, जब फोटो खिंचवाओगे बोल दोगे कैमरा मैन वाले को भैया वो कर देगा, ब्लू बैकग्राउंड रहेगा, ध्यान रखिएगा 10 नंबर में 20 लेके जाइएगा कम से कम। फिर आता है पेरेंटल जो है बिलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल एंड 2 जेरॉक्स कॉपी, तो ये है पेरेंटल बिलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी। अभी पेरेंटल भी बात आएगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी बात आएगा, फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी आएगा, तो ये जो बिलिंगनेस सर्टिफिकेट भी आएगा, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट हम यहाँ पे एक लिंक दे दे रहे हैं, लिंक क्या दे रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक करिए और जाइए, वो फॉर्मेट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए बच्चा, और उसी फॉर्मेट में सारी डिटेल भर के लेके जानी है, वो फॉर्मेट यहाँ दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, तो समझते हैं क्या क्या है। तो पेरेंटल बिलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 फोटोग्राफी, तो भैया 3-4 फोटोकॉपी रख लेना और एक ओरिजिनल लेके जाना है जो डाउनलोड करोगे यहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड के साइट से, तो उसी को जो है आपको लेके जाना है साइन वगैरह करा के। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल लेना है, 4-5 फोटो स्टेट ले लेना है, फिर ये भी वही डाउनलोड होगा, इंडियन कोस्ट जब जाएंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा सेगमेंट, उसी लिंक पे आपको जाना है, जान ही रहे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे आप तो जान ही रहे पर्टिकुलर साइट से, वो हम आपको जो है लिंक ही यहां पे डाल देंगे जिसको आप क्लिक करके सीधा वहां पहुंच जाएंगे और देख लेंगे कि हां क्या क्या है, और उसको डाउनलोड करके बेटा पीडीएफ फॉर्म में निकाल करके और
बाकायदे साइन वाइन करा के लेके जाइएगा। पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट 1 कॉपी लेके जाना है बेटा, एंड 2-3 फोटो कॉपी लेके जाइएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, इसका भी भैया ओरिजिनल रहेगा, 4-5 फोटो स्टेट ले लीजिएगा। बिलिंगनेस सर्टिफिकेट फिर वहीं निकाल लीजिएगा, 1 ओरिजिनल रहेगा, 4-5 फोटो स्टेट ले लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म विद द कैडर नेम, 3 कॉपी ओरिजिनल लेके जाना है, ये भी फॉर्मेट होगा, इसको भी ले लीजिएगा। फिर आपका आ जाता है आधार कार्ड, 1 कॉपी ओरिजिनल तो रहेगी ही, 8-10 भैया फोटो स्टेट ले लेना। सेम पैन कार्ड, 1 कॉपी ओरिजिनल तो रहेगी ही, बट 8-10 क्या ले लेना बच्चा आप, फोटो स्टेट ले लेना, ठीक भैया। NOC जो है इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड, मतलब 1 ओरिजिनल ले लीजिएगा NOC, 4-5 सेल्फ अटेस्टेड ले लीजिएगा, फोटो कॉपी। एम्प्लायर फॉर द कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, अगर गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन में आप कहीं सर्व कर रहे हैं तो इसको लेके जाना होगा NOC सर्टिफिकेट आपको, 1 ओरिजिनल, 4-5 फोटो स्टेट ले लीजिएगा। ये अगर उन्हीं के लिए है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। फोटो ID कार्ड एज मेंशन ऑन द एप्लीकेशन, फोटो ID कार्ड वही लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन कर रखा है। अब अपलोड में कुछ बच्चे कह रहे थे कि थैंक यू आ गया सर, हुआ ही नहीं हमारा, अपलोड कर रहे थे, तो कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, वो आपकी गलती नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है वहां उसको लेके चले जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टेज 2 जा ही रहे हैं तो आपका ग्राउंड वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज से बहुत सारा कंफ्यूजन खत्म करिए दिमाग में बेटा, तेजी के साथ प्रिपरेशन पे लग जाइए। जो फेज 2 के बच्चे हैं वो फेज 2 की प्रिपरेशन पे लग जाए, साथ ही साथ फेज 3 का डॉक्यूमेंट्स बेटा प्रॉपर कर ले, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे सफल नहीं हुए हैं मैं उनको यही कहना चाहता हूं, और जो बच्चे हमारे और अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज आप तेजी के साथ जो है बेटा इस को जो है अप्लाई करिएगा इस बार, और अभी से तैयारी में लग जाइए। और तैयारी का एक इकलौता डेडिकेट प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने जिक्र किया कि यूट्यूब चैनल पे एक स्पेशल सेगमेंट हम लेके आ रहे हैं जिसमें MKC लर्निंग ऐप और MKC यूट्यूब चैनल का ज्वाइंट कोलैबोरेशन हम बनाएंगे। इसका बिग अनाउंसमेंट नेक्स्ट सैटरडे को मैं करने वाला हूं, और बिल्कुल जो है 31 मई या 1 जून से वो अटैकिंग हम आपका शुरू करेंगे, और जम के MKC लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से कैसे मदद करेंगे आपका। और ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहता हूं बेटा कि देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू डिड इन द लाइफ, दिस इज द वन टाइम इन्वेस्टमेंट विच गिव यू लाइफ टाइम आउटपुट, समझ रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है, और ये MKC लर्निंग ऐप है बेटा। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं बेटा, कोई बिस्लेरी का बोतल आपको कहे कि ये फ्री में है तो यार डाउट करो थोड़ा सा, उसके पीछे कुछ तो इंटेंशन उसकी ख़राब है, क्योंकि उसका मार्केट रेट ही 20 रुपये है यार, वो उससे नीचे नहीं हो सकता है। तो ये जो फ्री वादे फ्रॉड ये एक्चुअल नहीं है बेटा, ये दिखावे का आदर्शवाद है, इससे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं अंतोगत वो अपना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करवाते हैं और उससे यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। बींग अ मेजर कल्सी क्लासेस बेटा, हमारा वो कोई सेक्शन नहीं है, हम कोई नहीं डिमोनेटाइज कर रखे हैं चैनल को, और लगाओ यार अल्टीमेट क्या आप पाते हो, देखते हो वही अपना धन एकेडमी का टी शर्ट पहन के आना है, अपना प्लस सब्सक्रिप्शन बताना है, एड समझाना है, और मालूम नहीं यार कितने सगुफे छोड़ रखे हैं हम, तो इकलौते ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में मेजर कल्सी क्लासेस, जो हम डिफेंस के, हम दुकान नहीं है बेटा कि बैंक SSC भी करा दिया, रेलवे भी करा दिया, IT भी करा दिया, PMT करा दिया, मौका मिला डिफेंस भी करा दिया, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। हम इकलौता एक ही इंडस्ट्री एक ही सेगमेंट जीते हैं बेटा, वो है डिफेंस, और पूरा भारत हर बच्चा देश का भरोसा करता है। हाँ, भरोसा कायम रखने के लिए हम भी दिन रात काम करते हैं बेटा, और वो काम से ही बेहतर होगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वो मटेरियल ले लें पब्लिकेशन से, आपको तैयारी बेहतर मिलेगी, चाहे वो आप MKC लर्निंग ऐप को जो है परचेज कर ले बेटा, जो कि बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम तक वो चार्जेस फ्री भी हो जाते हैं जब आप दोबारा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है इससे बेस्ट, इससे अच्छा, इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं है बेटा, और यही आपको सफलता के नज़दीक ले जा सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, पर इसके बावजूद कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन हो बेटा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ जाइए, उसको मेंशन करिए, पूरे तन मन धन से आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, और देश का इकलौता जो ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म आपके लिए MKC का, और आपके सर्वसर हमेशा आएंगे, हर सस्पेंस को खत्म करेंगे, और इतना भरोसा अगर आप करते हैं हर नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हर बात पे, तो तैयारी पे भी भरोसा करिए। कहीं ना कहीं इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल करके, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करके, एक रॉयल सोल्जर की तरह बेटा MKC लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से जुड़ के तैयारी को बिल्कुल अप टू द मार्क करिए। ये आपके लिए सबसे बेहतर टॉप क्लास और इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ के आप अपनी सफलता और इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।